हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नौकरी यानी इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, इसी स्टॉक के बारे में। 52 वीक का हाई है 7465, 52 वीक का लो है 4208। क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 118,618, डिलीवरी क्वान्टिटी 46,734, डिलीवरी परसेंटेज 39.4%। दो दिन पुरानी ये न्यूज है, इन्फो एज एक्वायर्स 20.50% स्टेक इन टेरालिटिक्स, स्टॉक स्लिप्स ऑलमोस्ट 2%। यानी कि इन्होंने 3.70 करोड़ की जो कैश है उसके जो एक्विजिशन किया है इन्होंने, उसकी कॉस्ट है 3.70 CR। तो 20.50% स्टेक इन्होंने एक्वायर किया है इन्फो एज ने। तो ये न्यूज़ तो अच्छी है, बट स्टॉक डाउन 2%। तो ये है इसी स्टॉक का वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट में RSI 54, ये है वन वीक का चार्ट, वन वीक के चार्ट में RSI 44, ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट क्यों लगाया वो भी बताऊंगा। इसमें RSI 53, और ये है वन आर का चार्ट, वन आर के चार्ट में RSI 46। ओवरऑल तीनों चार्ट में RSI तो अच्छी है। तो मार्केट कैप है 61,317 करोड़ की, डेट है 55.9 करोड़ का, प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रमोटर्स की लास्ट थ्री क्वार्टर में 38.41 से 38.40 नॉमिनल कम है, लेकिन लास्ट टू क्वार्टर की कंपैरिजन में कांस्टेंट है। FIIs की 37.74 से 36.37, ये नॉमिनल कम है। पब्लिक यानी रिटेलर्स 13.26 से 14.36, ये बड़ी है। सॉरी, ये DIIs की है। और पब्लिक यानी रिटेलर्स 10.41 से 10.78, ये भी बड़ी है। अदर्स 0.17 से 0.08, ये कम हुई है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। और अब हम चलते हैं इसके टिकर टेप की वेबसाइट है, यहाँ पे चलते हैं और बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो अगर आप ये देख रहे होगे, ये वनडे है, वनडे का एनालिसिस है। वनडे के एनालिसिस में रिटर्न है 0.69%, वन वीक में बात करते हैं 0.08% रिटर्न, वन मंथ में बात करते हैं 3.22% रिटर्न, वन ईयर में देखते हैं 3.78% रिटर्न। यहाँ पे वन मंथ और यहाँ पे वन ईयर ऑलमोस्ट सेम ही है, 3%, यानी एक साल में सिर्फ 3.78% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। लेकिन अगर आप मैक्स देखोगे यहाँ पे क्लिक करके, तो आपको 3,109% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तो टिकर टिप पे दिखाने का मतलब वो मैं बताऊँ आपको चार्ट में, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए 3.78% का एक साल में रिटर्न सिर्फ इस स्टॉक ने दिया है। तो अब हम चार्ट पे चलते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 4753.85 पे बंद हुआ था। यहाँ पे वीकली चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट में यहाँ पे ये स्टॉक 5 अप्रैल 2021 सेम इसी प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 4753। यहाँ से ये गया तो ऊपर 7462 तक भी गया, उसके बाद से नीचे अगर आप देखेंगे फिर से यहीं आ गया। तो एक साल में जो रिटर्न थे वो 3.78% जो दिख रहा था वहाँ पे टिकर टेप पे, अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, एक साल में इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया, और यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया ऊपर। तो अभी इस स्टॉक में जो लोग ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड हैं 6,000 साढ़े 5,000, वो इस स्टॉक को इजीली होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है, रिटर्न मैंने दिखा दिए अभी तक 3,000% के भी से भी ऊपर के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं लोगों को। वन आर के चार्ट में अगर हम बात करते हैं, वन आर के चार्ट में ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉलो की, नीचे भी, यहाँ पे भी ऊपर ट्रेंड लाइन, फिर नीचे। तो अभी जो लोग इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे दो सिनारियो, या तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, उसके बाद से स्टॉक अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है,
ठीक है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो स्टॉक यहाँ तक आएगा या फिर स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अगर ये स्टॉक नीचे 4730 का लेवल ब्रेक करता है तो समझ लेना ये स्टॉक फिर 4500 4510 के आसपास में यहाँ पे फिर से दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक 4800 के ऊपर निकलता है, यानी 4800 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है, तो ऊपर फिर इसका जो ऊपर का टारगेट होगा 4860, वनडे के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो ऊपर 4860 होगा, उसके बाद से 5060 और 5100 का ऊपर टारगेट है। देन अगर इसने यहाँ पे ये जो ऊपर रेसिस्टेंस है इसका 5080 के आसपास में, यहाँ पे फिर ये कुछ दिन होवर कर सकता है, फिर से उसके बाद में फिर एक बड़ा ब्रेकआउट देगा ये 5775 के आसपास तक, यहाँ तक। लेकिन पोटेंशियली स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, तो फिर लॉन्ग टर्म में अगर आप रखना चाहोगे तो फिर तो इसके ऑल टाइम हाई के भी टारगेट्स हैं। लेकिन स्टॉक अब इस लेवल, इस यहाँ पे जो ऐसे लेवल पे खड़ा है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो नीचे जो रेंज है वो 4520-4630 गया है, इस रेंज के बीच में कहीं भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ऊपर 4630, नीचे 4500, 4500 के आसपास में। तो ये दो नीचे के जो सपोर्ट हैं इसके, इनको आप नोट रख लीजिए। लेकिन अगर ये स्टॉक ऊपर 4800 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। तो फिर ये जैसे मैं वीकली चार्ट में आप देख रहे होंगे, ऊपर फिर ये 4960, 5000, फिर उसके बाद से ऊपर इसके बहुत यू कैन से कि बहुत ऊपर के टारगेट्स भी हैं इस स्टॉक में। तो स्विंग ट्रेड वाले, आप इन टारगेट्स को आप याद रखिए, और जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग अपने इस ये दोनों सिनारियो याद रख के आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। और आप इसी स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करके रख के पहले वॉच कीजिए, देखिए कैसे मूवमेंट कर रहा है, नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। बाकी यू नो वेरी वेल, ऊपर के लेवल्स 7465, नीचे 4208, कितने परसेंट ऑफ डिस्काउंट पे अभी भी आपको ये मिल रहा है वो आप देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।